देखो ये हमारा मोनो ऐप नहीं है, फोर चैनल ऐप है। तो मैं खुद सरप्राइज होगा, भैया सही में फोर चैनल है? हाँ यार इसमें है फोर चैनल है। तो अभी फिटिंग होगी ना, हम चेक करेंगे इसको, तो मतलब इसी से काम हो जाएगा। इसके साथ एडिशनल हमको ऐप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, फोर चैनल ऐप है, इसी में बूफर कंपोनेंट ओवल वगैरह सब इसी में चल जाएगा। भाई देखो ऐप देख रहे हो कितना प्यारा है, मतलब ज्यादा जगह नहीं घेरेगा और पाइनियर के लग रहे हमारे इसमें बूफर लग रहे हैं। बूफर तो भैया का ही था। अच्छा भैया का ही है। एक हमने ब्लॉपन के कंपोनेंट लगाए, रॉक फोर के ऑफर ओवर लगाए, हेडलाइट लगाई है जी वैगन वाली। अच्छा जी वैगन बना रहे हो इसको, मतलब भाई जी वैगन बनने वाली, तो बड़ा मजा आने वाला वीडियो में। तो भाई पूरा शुरू करते हैं वीडियो, आपको डिटेल में दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। आज मैं आपको लेके आया हर्ष कार श्रृंगार और ये हर्ष भैया यहाँ पे मिलेंगे। तो आज हम थार को बना रहे हैं जी वैगन, क्यों भैया? जी वैगन बना रहे हैं। तो भैया सबसे पहले दिखाओ जी वैगन की लाइट जो हमारे पास आई है, काफी खास लाइट है, तू दिखाना जरा लाइट किस तरह की रहने वाली है। अच्छा उसमें आपके पास डिजाइन है क्या, दो तीन? चार पांच डिजाइन है। अच्छा चार पांच डिजाइन है भाई, एक ये है। अच्छा थार की मतलब काफी एक्सेसरी आ गई आपके पास भाई। ये देखो एक ये वाला डिजाइन भैया ने दिखाया, थार के रिफ्लेक्टर भी है ये देखो भाई। अच्छा तो रिफ्लेक्टर में कितने डिजाइन है आपके पास? रिफ्लेक्टर में अभी तक एक ही डिजाइन है। अच्छा एक ही डिजाइन, ये फॉग लाइट आईपीएच, ये आईपीएच के प्रोजेक्टर लग रहे हैं। इसके अंदर वो एलईडी वगैरह डालोगे? इनबिल्ड है। अच्छा इनबिल्ड है, वाली है, नया माल आया है, ठीक है नया। सो और उसके अलावा ये इन्फिनिटी का मैंने आपको जो दिखाया है, ये बहुत ही मतलब मैं खुद हैरान हो गया, मेरे को मोनो ऐप लग रहा था और भैया कह रहे हैं कि इसी के साथ जो है सारा चलेगा सेटअप। तो इसको हम चेक करेंगे, तो चलते हैं। वो खड़ी हमारी सामने थार, अब मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें भैया मैं देख रहा हूँ टॉप मॉडल के अलॉय लगाए, आपने लगाए क्या? ये हमारा 16 इंच के जो आते हैं कंपनी से वो हटा दिया आपने, तो टायर भी चेंज हुआ है इसका, टायर भी चेंज हुआ है। तो भाई चलते को हर्ष कार श्रृंगार और ये रही दुकान, और अब चलते हैं थार खड़ी सामने दिखाता हूँ भाई, बहुत प्यारी लग रही थार। थार में काम स्टार्ट हो चुका है, ये हमको आपने देखा होगा जी वैगन में भैया, ये तो जी वैगन में लाइटें डाल रहे हो इसमें है ना। उसके अलावा हमारे आईपीएच के भी नीचे लगेंगे प्रोजेक्टर, जो आपने बम्पर अभी निकला हुआ है, ठीक है, फिर एज इट इज वैसे ही बम्पर फिक्स हो जाएगा। अच्छा तो भाई मतलब ये जी वैगन बनने वाली है, इसकी बॉडी शेप तो खैर जी वैगन वाली है, जो कि डिफरेंस हमको आता है आगे की लाइट और पीछे की लाइट। तो आगे की भैया कह रहे हैं जैसे हम चेंज कर देंगे। उसके अलावा भैया ग्रिल में भी कुछ लाओ ना इसको, पूरा जी भी है मगर भैया को अभी तो भाई अगर साइड प्रोफाइल से देखें तो गाड़ी में हमारे लगे हैं ये जो टॉप मॉडल में आपको मिलते हैं, और व्हील भी टॉप मॉडल में ऐसे 18 इंच मिलते हैं ना भैया। तो भाई ये देख लो आप, तो भाई टायर भी वही हमारे जो हो गए हैं 18 इंच ही हो गए, ये आप देख सकते हो 255/65R18। तो ये रहते हैं हमारे टायर का साइज़ आपके सामने, 18 इंची के टायर लगे हमारे, सीएट के टायर लगे हुए। उसके अलावा ये हमारा जो टॉप मॉडल में आता है जेनुइन वाले अलॉय वो लगे हैं। तो भाई अभी मेरी थार में काम चल रहा है, और पीछे जो है म्यूज़िक का सेटअप वगैरह कुछ हो रहा है, तो एक बार यहाँ देखते भाई क्या काम हो रहा है। अंदर आए हैं तो आप ये देख सकते हो, यहाँ मैं जैसे देख पा रहा हूँ एंड्रॉयड लगा है, एंड्रॉयड लग रहा है हमारा, 9 इंच स्क्रीन लग रहा है। भैया कौन सा डाला एंड्रॉयड इसमें? एंड्रॉयड हमने भैया को दिखा। तो भैया जैसे मैं एंड्रॉइड देख रहा हूँ, कौन सी कंपनी का डाला एंड्रॉइड आपने? हमने जीएक्सएल का डाला, 1 ईयर की वारंटी है। अच्छा 1 ईयर की वारंटी है, कोई दिक्कत होती है, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट रहती है इसमें। चलो भाई ठीक है भाई, तो हमारा ये लग रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और अंदर क्या क्या काम हो रहा है भैया? और वन साइड कंपोनेंट लग चुके हैं इधर। अच्छा कंपोनेंट डाल रहे हो, कौन सी कंपनी के डाल रहे हो भैया? ब्लॉपंक, ब्लॉपंक के लग रहे हैं, तो ओवल स्पीकर लग रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छा ये रिफ्लेक्टर भी लग रहे हैं पीछे। चलो भाई बढ़िया काम हो रहा है हमारी थार में, गाड़ी तो वैसे बहुत बढ़िया A1 गाड़ी है। और चलते हैं बैक साइड भाई, पीछे की साइड आते हैं तो देख सकते हो हमारे भाई इधर रिफ्लेक्टर चेंज होने वाले हैं। और उसके अलावा ये लाइट वगैरह तो नहीं चेंज कर रहे ना कुछ पीछे इसको? अच्छा अगली बार में ये चेंज, अच्छा ये वाली लाइटें भी आ चुकी, इसमें डिज़ाइन आ चुके हैं, तो बाकी रिफ्लेक्टर भी चेंज हो गए, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा वायरिंग कौन सी डाली भैया, कॉपर की कौन सी ब्रांड की डाली है? मिशिगन की वायरिंग डाली है। अच्छा मिशिगन की वायरिंग डाली है, वायरिंग किट भी मिशिगन की, और स्पीकर वायर भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी मिशिगन। अच्छा मिशिगन की है भैया, तो इसमें तो फिर भाई कंपनी का जेन्युइन चीज़ है, तो वारंटी वगैरह क्या दे रहे हो भैया इसमें? वारंटी वगैरह कोई आपकी अवॉइड नहीं होगी कंपनी वाली, और हमारी जो भी काम हो रहा है सारा 1 ईयर का काम है, रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई। मतलब अगर ये वायर हमारी में कोई दिक्कत आती है 1 ईयर हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट है। तो उसके अलावा ये जो चीज़ मेरे को खास लगी थी, ये आप देख सकते हो इन्फिनिटी का हमारा 4 चैनल ऐप लगा है, जो कि मोनो ऐप लग रहा था। उसके अलावा वर्ल्ड टेक का भैया क्या डाल रहे हो? ये भी वर्ल्ड टेक का दिखा रहे हैं। अच्छा इसको नहीं लगाया? अच्छा अच्छा इसको हटाया, ये पहले का लगा होता क्या? अच्छा रिप्लेस किया, ठीक है। तो भाई ये चीज़ मेरे को ऐप पे बार बार इसलिए ध्यान जा रहा है क्योंकि ना ऐप काफ़ी जगह घेरता है, तो आप डिफरेंस देख रहे हो मतलब आधे से भी छोटा है, बहुत ही बढ़िया चीज़, वेरी गुड। और ये भाई वायर की थिकनेस देखो। अच्छा ये भी मिशिगन की ना? मिशिगन का भाई, ठीक है भाई बढ़िया काम हो रहा है।
और ये लगे हमारे कंपोनेंट लगे हैं ब्लो पंप के, देखे जरा एक बार, ये रहने वाले हैं 320 वॉट के, तो बढ़िया भाई। बाकी अभी काम चल रहा है। और ये आपने बनाया भैया बॉक्स वॉक्स हुआ है स्पीकर के? आते हैं वैसे, फिट किया इसमें। अच्छा आते हैं, फिट किया आपने, तो भैया कौन से डाले इसमें? ये रॉकफोर्ड का पंच। अच्छा रॉकफोर्ड की पंच सीरीज लगी इसमें हमारी, ठीक है भाई। चलो भाई रॉकफोर्ड की पंच सीरीज लगी है, तो रॉकफोर्ड की पंच सीरीज है, साउंड अच्छी है पंच सीरीज की, पर्सनली मेरे को पता है, फिर भी ये चेक करेंगे क्योंकि बेस ट्यूब वगैरह भी लग रहा है, तो साउंड का सेटअप अच्छा होने वाला है। तो आगे देखे कुछ हो रहा है काम भैया, ये क्या इधर क्या हो रहा है फिटिंग वगैरह? अच्छा एंड्रॉयड सीरीज, अच्छा उसको कनेक्ट करने जा रहे हो, टेस्टिंग हो रही है उसकी, कनेक्शन कर दे रहे भैया, टेस्टिंग कर रहे हैं सो दैट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो उसको इंस्टॉल कर देंगे अच्छे तरह से। बाकी भी काम आगे चल रहा है लाइटिंग वगैरह का, क्योंकि इसको जो जी वैगन बन रहा है हमारी थार, तो भाई पर्सनली मेरे को थार बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है, स्टिल मैं इसको जो है देखूंगा जी वैगन बन के तो और मज़ा आने वाला। तो भाई हमने फाइनली थार को जी वैगन बना दिया है, तो अगर हम बात करते हैं लाइटें, आप देख सकते हो ये जी वैगन में लगती है लाइटें, अभी लाइटें मैं आपको जला के दिखाऊंगा। उसके अलावा भैया अंदर भी व्हाइट लाइट डाली इसमें, व्हाइट लाइट डाली है, पार्किंग लाइट, ठीक है। उसके अलावा हमारे IPH के प्रोजेक्टर लगे हैं इसमें, मैं ऐसे देख रहा हूँ काफ़ी ये हाई बीम वाले हैं, लेजर बीम वाले, लेजर बीम वाले डाले हैं इसमें। क्या होता है सर इसमें ना, लोग क्या क्या करते हैं थार में भी पीछे HID लगवा लेते हैं। अच्छा, तो एक आजकल प्रोजेक्टर नए आए हैं मार्केट में जिसमें क्या है पीछे जो है ना LED इनबिल्ड है। अच्छा तो भाई LED इनबिल्ड वाले हमने प्रोजेक्टर लगाए। अच्छा पीछे से ही मतलब पानी वानी जाए तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना, मतलब अगर आप बात करें तो मैंने देखा था पीछे इसकी बिल्कुल पैकिंग बंद थी, जगह ही नहीं होती जिसमें कुछ मतलब पानी आनी जा सके। तो भैया एक बार जो इंतजार कर रहे थे इसको भाई, जो जी वैगन की लाइटें लगी है इसको भैया ऑन करो रहा, ये देखो आप ये फॉग लाइट है और ये DRL है और ये देखो आप इसमें इंडिकेटर भी चलते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, पर सबसे पहले आप फॉग लाइट का अगर आउटपुट देखो तो ये देखो सामने हमारे ऑल्ट्रोस खड़ी, उसकी वजह से रुक रहा है, बट आप देख सकते हो फोकस कितना इसका जबरदस्त रहने वाला है, लाइट कितनी ब्राइट है। और इसके बाद हम अभी ये वाली लाइट्स भी ऑन करेंगे जो कि इसको जी वैगन बना दिया गया है, आप देख पा रहे हो, अगर मैं करीब लेके जाऊंगा तो ये देखो इस तरह के रहने वाली हमारी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब भैया इसमें इंडिकेटर भी जला के दिखाना किस तरह के जलने वाले हैं, ये देखो आप, तो हमने नोटिस किया होगा भाई जी वैगन में हमारे इस तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, काफ़ी बढ़िया जो है ये गाड़ी हमारी बन चुकी है इस समय बिल्कुल ये। तो गाड़ी की लुक आगे से काफी चेंज हो गई है। इसमें अगर बात कर रहे थे भैया, इसमें हमारे पास दूसरी ग्रिल भी है ना, अभी आउट ऑफ स्टॉक है जी वैगन वाली भी ग्रिल है। अच्छा अच्छा जी वैगन वाली है, कल परसों में आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। उस पे जो आगे मर्सिडीज का लोगो रहता है वो भी मिल जाएगा क्या? अवेलेबल करा देंगे। तो भाई मतलब ये आगे से बिल्कुल जी वैगन बन जाएगी, और गाड़ी बिल्कुल नई है थार, जैसे भैया कह रहे थे जिनकी गाड़ी है वो कह रहे अभी अभी घर नहीं पहुंची कब गाड़ी, घर भी नहीं पहुंची, सीधा यहाँ आ गए गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए। और फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी आगे से बहुत ही बढ़िया बन गई वगैरह का, तो काम काफ़ी बेहतरीन हो गया, आगे हम बात करें बिल्कुल A1 हो गया। अच्छा भैया बात करें जो जी वैगन की लाइटें लगी इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी है क्या? 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर की वारंटी है, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट भाई, रिप्लेसमेंट भी आपको मिल रही है, क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी देख ले गाड़ी की लुक भी निकल के आ गई है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया नहीं तो डे टाइम में और मजा। अभी काम हुआ है ना सारा, रिप्लेसमेंट वाला काम है, सारा वारंटी वाला काम है भाई, 2 दिन बाद आ जाओ, 3 दिन बाद आ जाओ, ठीक है 1 ईयर वारंटी वाला काम है। उसके अलावा अंदर भैया सिस्टम वगैरह लग चुका है क्या हमारे गाड़ी में? चलो तो अंदर तरफ चलते हैं देखते हैं। उसके अलावा पीछे कैमरा इंस्टॉल हो रहा है जैसे मैं देख रहा था, तो एक बार आपको पीछे दिखा, हमारा जो कैमरा इंस्टॉल होना रहता है, बाकी काम देखो रेडियो है। कौन सा डालो भैया कैमरा? कौन सा डालो भैया कैमरा? मेगा सोनी का डाल रहा हूँ, JXL का लग रहा है तो अच्छा उसी का, तो क्वालिटी भी चेक करेंगे भैया तब तक इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी गाड़ी में सिस्टम का काम हो चुका है, तो भैया चलो जरा अंदर सिस्टम। तो उसके अलावा हमारे इसमें लगे हैं 70 mat, और अब आपको सुनाऊंगा साउंड। भैया स्पीकर कौन से डाले थे आपने? ब्लो पंप के कंपोनेंट्स डाले हैं, ठीक है 30 watts और रॉकफोर्ड के पंच सीरीज 4, ठीक है। तो भाई साउंड सुनेंगे एक बार, भैया प्ले करना साउंड, देखे किस तरह के साउंड। अभी हमने साउंड नॉर्मल रखा है तो थोड़ा बढ़ा दे। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बोलिए।
पीछे से भी दिखाता हूँ एक बार आपको, दूसरा अंदर है। काफी अच्छी साउंड है जैसे आपने सुना है, वायरिंग वगैरह बढ़िया कॉपर की हुई है, और बस हमारा कैमरा एक बार इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो भाई सबसे पहले देखो जी वैगन की लाइटें जो हमने आगे लगाई है, उसके अलावा अब हम क्योंकि आगे हमारी ऑल्ट्रोस खड़ी थी, मैंने पहले दिखाया था, वो चली गई है। भैया लाइटें ऑन करना, सबसे पहले जो है फॉग लाइट ऑन करना, जो हमारे आईपीएच के प्रोजेक्टर लगे हैं। तो भाई प्रोजेक्टर हमारे ऑन हो चुके हैं, अब आप लाइट देखो भाई, कोई हाई बीम वगैरह कुछ नहीं, खाली हमारे प्रोजेक्टर ऑन हुए, मैं आपको बार बार दिखा दूं, और बोर्ड तक लाइट जा रही है, काफ़ी दूर तक लाइट जा रही है। और भैया हेडलाइट ऑन करना, अब ये देखो भैया हमारी हेडलाइट ऑन हो चुकी है, और अभी लो बीम रहने देना भैया, मारना डिपर जरा, ये देखो देख रहे हो आप क्वालिटी देखो लाइट की। उसके अलावा वारंटी वगैरह सारी मिलेगी भाई, लुक भी गाड़ी की शानदार आ रही है। अगर हम दूर जाते हैं, दूर से आप देखो थोड़ा काली गाड़ी, इसलिए शायद आपको लुक प्रॉपर नहीं पता चल रही होगी, बट काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी। और लाइट का आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ही बढ़िया, मतलब गली को बिल्कुल पार कर रहा है, काफ़ी लंबी गली और उसको बिल्कुल पार कर रहा है। तो काम हुआ है हमारी लाइट्स में, और अब साउंड मैंने आपको सुना दिया, अब एक बार जो है कैमरे का रिस्पॉन्स आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि हमारा भी कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, तो वो हो जाए फिर वो भी चेक कराऊंगा मैं आपको। अरे यार कैमरा भी हमारा लग चुका है, तो डालते हैं भाई बैक गियर। क्लैरिटी आप देख सकते हो, कोई पीछे खड़ा है, तो ये देखो हमारा कैमरा लग गया है नाइट विजन करके, थोड़ी सी इसमें आपको दिख रहा होगा स्नो वगैरह, अदरवाइज डिस्प्ले काफ़ी क्लियर है, प्रॉपर दिख रहा है हर एक चीज़, पीछे बंदे खड़े हैं सबको दिख रहा है। तो काम मैंने आपको दिखा दिया, भैया जिनकी गाड़ी उनकी बात उनसे पूछते हैं क्या कहना है। अलावा ये देख सकते हो भाई हमारे वॉइजर भी लगे हैं इसमें, अच्छा थार की ब्रांडिंग है, तो इधर लगा है वॉइजर और उस साइड लगा है, दोनों साइड लगा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई। तो भैया आए आज हमारे यहाँ थार लेके, भैया काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, जी वैगन बना रही आगे से भाई, बस शौक है थोड़ा। तो क्या कहना काम, आपको कैसा लगा काम, क्योंकि आपकी गाड़ी तो भाई अपने आप खुद से 5-7 घंटे हो गए होंगे इस करोल बाग में खड़े खड़े, 7 घंटे इधर से उधर भागते हुए सामान इकट्ठा करते हुए दुखी हो गए हैं। तो भाई अगर इतनी मेहनत के बाद काम अच्छा नहीं हुआ तो फिर लालच है। तो वैसे काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ भाई? ओवरऑल काम अच्छा हुआ है, इन लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत करी है, ये हर्ष नाम का छोटा भाई हमारा, इसी पे आते हैं हर बार, इसे काम में पसंद आता। तो 7 घंटे की आपकी मेहनत सफल हो गई, बात करें भाई साहब मेहनत बिल्कुल सफल हो गई है, बस दिल खुश हो गया है, बस अब घर जाके पूजा कराने, गाड़ी सीधी शोरूम से यहाँ पे आई। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया, ओके भाई।